हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में आपको दिया है, दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या दिया है उसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है -3/13 और 7/13। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखो दोनों के हर क्या है, समान है, बराबर है। तो दोनों के हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या देखते हैं। ऊपर में एक में ऋण चिन्ह है और एक में धन चिन्ह है। तो हमेशा धन चिन्ह वाला बड़ा रहता है और ऋण चिन्ह वाला उससे छोटा रहता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं हर को बराबर बराबर करके अंश के आधार पर, अंश के आधार पर बड़ी या छोटी संख्या का निर्धारण करते हैं। मतलब संख्या का हमें पता चलता है। आपका दिया है, यहाँ पे दिया है 7 बड़ा है किससे, -3 से। तो ये हो जाएगा 7/13 बड़ा है किससे, -3/13 से। ये आपका आंसर है। इसके जो हर है उसके बराबर है। तो हम ऊपर वाली संख्या को देखते हैं। तो ऊपर वाली संख्या या एक में दिया है ऋण चिन्ह और एक में दिया है धन चिन्ह। तो हमेशा ऋण चिन्ह छोटा होता है और धन चिन्ह बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं हर को बराबर करके अंश के आधार पर बड़ी या छोटी संख्या का निर्धारण करते हैं। फिर इसमें से जो बड़ा होगा उससे बड़ा का निशान लगाते हैं। सेकेंड देखते हैं इसी में। सेकेंड दिया आपका -4/3 और -2/5। ये आपका दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके हर देखो अलग अलग दिए। इसमें 3 दिया, इसमें क्या दिया है, -5। तो हम इसे अब इसके जो हर है उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, समान करेंगे। तो समान हर करने पर हम ऐसा लिख सकते हैं, जो 3 है उसको, इधर -5 है उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो 3 व 5 का लघुत्तम संवर्तक निकालने पर, तो चलिए 3 और 5 का निकालते हैं। यहाँ पे दिए 3 और ये 5 गए। तो पहले पढ़ेंगे 3 का, तो 3 एकम 3, ये 5 ऐसे हो जाएगा। फिर 5 का पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया। तो इधर क्या है, 5 3 15 या 3 5 15। तो ये क्या हो जाएगा, 15। इसका क्या आ जाएगा, 15 आ गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है आपको 4/3, -4/3 दिया है आपको। तो अब हम 3 में हर में ऐसे ऐसे संख्या का गुणा करें जिससे क्या आएगा, 15 है हर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का, 5/5, तभी तो 15 आएगा, 5 3 15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा, -20 और इधर 5 3 15, तो क्या हो जाएगा, इधर 15। अब दूसरा दिया आपको -2/5। अब इसमें किसका गुणा करें कि 15 है, किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3/3। तो 3 दुनी 6, तो क्या आ जाएगा, -6 और इधर दिया है 3 5 15, 15 आ गया। अब इधर जो ऋण चिन्ह दिया है उसको आप हम कटा सकते हैं। जो ऋण चिन्ह दिया उसको, जो ऋण चिन्ह दिया है आपको उसको हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
20 बटा 15 बराबर 6 बटा 15। तो देखिए ये ऋण चिन्ह में है और ये किसमें है, धन चिन्ह में, तो बड़ा कौन हो जाएगा 6। तो 6 बटे 15 बड़ा है किससे, ऋण 20 बटा 15 से। ये आपका आंसर है। ऐसे ही आपको जो दिए हैं तीसरा और चौथा वो आपको बना के दिखाना है, आपका होमवर्क है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में आपका दिया है दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। दो परिमेय संख्या दिया है, आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 5 13/3, ये आपका दिया है 5 दिया और कितना दिया 13/3, ये आपका दिया है। तो हम कैसे करेंगे, ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 13/3। तो हम 1 व 3 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फिर इधर आया क्या रहेगा 5/1 का गुणा, 1 का गुणा हमें क्या लाना है, हर में 3 लाना है, तो किससे करेंगे तो 3 आएगा। तो हम 3 का गुणा करेंगे तब 3 आएगा हर में, तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 1 दिया 3। अब दिया 13/3, तो 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 13 एकम 13 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो ये आपका आ गया। तो इधर हो गया 15/3 बराबर 13/3। तो आपको बताना है दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, बताना है आपको। तो कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो 15/3 और इधर लिखेंगे 13/3। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो क्या आ जाएगा 13/3 छोटी है और ये बड़ी है, तो 13/3 छोटी है, 13/3 छोटी है। अब आपका दिया उसी प्रकार से दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।